मेरी देरानी नवाब की बच्ची सोई हुई है और मैं चपातियां बना रही हूं। मम्मी के घर पे कभी एक तवे में भी हाथ नहीं लगाया था। मम्मी हमेशा गोद में बिठा के खिलाती थी। और यहां पर देखो 20 चपातियों का बोला था, 40 चपाती हो गई है। श्री राधे। मेहमान आए तो कोई मेरे लिए आए, मैं नहीं ठेका ले रखा। अरे मूर्ख, उससे बेहतर करो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या ऐसे करने से, ऐसे शोर मचाने से सच्चाई टल जाएगी? जो सच है वो सच है। तो कौन सा मुश्किल काम है कृष्ण स्मरण करना? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। वो जो चपातियां खाएगा, वो जो फुलके खाएगा, वो भी सतबुद्धि वाला हो जाएगा, क्योंकि ये भी महाप्रसाद है भगवान का। और ऐसे गाली दे दे के पकाओगे तो खाने वाला वायड़ा हो जाएगा, क्योंकि वाइब्रेशन उसमें चले गए। ऐसे वाइब्रेशन चले गए। हाँ, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो ये स्मरण करना कौन सा कठिन काम है बताइए? आप ट्रेन में लटके हुए, मैं मानता हूं एक पांव पे खड़े हैं, लेकिन मुंह से तो आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो उस समय आपकी तपस्या है कि आप एक टांग पे खड़े हो, खड़े हो हिरण्यकशिपु की तरह, एक टांग पे वो भी खड़ा था और हाथ भी उसके ऊपर से, बिल्कुल एक्शन वही है हिरण्यकशिपु का। दो हाथ ऊपर, वो ट्रेन के कुंडे पकड़े, एक टांग ऊपर, खारिज भी आ रही तो खुजा नहीं पा रहे हो, खड़े हो। लेकिन भजन कर रहे हो प्रहलाद की तरह। एक्शन किसकी तरह है बोलो ना, लेकिन कर्म कौन सा है? प्रहलाद का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम लो। कौन सी मुश्किल का स्मरण? यहां भागवत में कहा स्मरण करो। आप बाइक चला रहे, बाइक चला चला के 10 आदमियों को गालियां देते जाते हो, पीछे से कोई हॉर्न देता है, देखते नहीं अंधा है मैं चला तो रहा हूं, उसको गाली इसको गाली इसको फटकार उसको फटकार। बेहतर है चलाते चलाते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कौन सा मुश्किल काम? आपको भागवत ने कौन सा कठिन काम दिया है? दर्शन। अब दर्शन करने में आपको कौन सी मेहनत लगती है बताओ? जहां रास्ते में मंदिर आ गया, श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया, ठीक है, मंदिर में जाने का समय नहीं है, कठिन काम है। पर्स में कृष्ण का कोई फोटो ही रख लिया, जब चाहे दर्शन कर ली। कौन सा मुश्किल काम है? जब चाहे दर्शन कर ली। अच्छा, पर्स में घर वाले रखने नहीं देते, चेक करते पर्स कस्टम ऑफिसर की तरह, ऐसे भी होते हैं। घर वाली कहती है ये क्या, कई घर वाली तो कस्टम ऑफिसर होती है, रात को चेक करती है, पर्स चेक करेगी, मोबाइल चेक करेगी, वो लैपटॉप चेक करेगी। अच्छा, जिसके मोबाइल में लॉक लगा होता है ना, मैं समझ जाता हूँ उसकी घर वाली कस्टम ऑफिसर है। मोबाइल अगर किसी के मोबाइल में लॉक हो, समझ लेना इसकी घर वाली कस्टम ऑफिसर है। या किसी के पर्स से पैसे ना निकले तो समझ लो इसने कहीं और छुपाए होंगे। तो अगर आपके पर्स से कृष्ण का फोटो निकले तो कितना मंगल है। जेब काटेगा उसका भी भला हो जाएगा, पर्स में कृष्ण के तो दर्शन हो जाएंगे उसको। हाँ,
अरे वैष्णव तो चोरों का भी भला कर देते हैं, ऐसे वैष्णव होते हैं। अभी दर्शन करोगे, अभी थोड़ी ही देर में दर्शन होंगे गोविंद आदि पुरुष। श्रवण करो। अब आप सुन रहे हो, सब कौन सी मेहनत करो बताओ, बैठे हो सुन रहे हो हरि कथा सुन रहे हो। ऐसे कई एक्सीडेंट हो जाते हैं जो कानों में डाल के, वो क्या ईयरफोन डाल के गाने सुनते जाते हैं तो एक्सीडेंट हो जाते हैं, पता नहीं कौन कहाँ जाते होंगे। ये ईयरफोन डाले हैं, कीर्तन सुनते हैं, और भगवान ना करे कभी ऐसा हो भी गया तो भगवान के पास तो पहुंच गए। ऐसा करना नहीं, ये मैं बोल रहा हूँ, ऐसे अचानक हो जाए तो कृष्ण नाम सुनते सुनते हरि नाम सुनो, कृष्ण का पूजन करो। अब पूजन कोई मुश्किल काम नहीं है। ये जो मंदिरों के बाहर पूजा की थालियां 11 रुपये 21 रुपये वाली बिकती है, वो वाली पूजा की बात हम नहीं कर रहे हैं। पूजा एक भाव होता है। आपके आंखों में जो प्रेम के दीप है वही आरती है, आपके हाथों से जो सत्कर्म हो रहे हैं वही पूजा है, आपके पांव अच्छी जगह जा रहे हैं वही पूजा है, आपकी सोच अच्छी है वही पूजा है, ये पूजा है कृष्ण की। याद रखना मैं जो कह रहा हूं, ध्यान से सुना। अगर आपकी आंख अच्छी है, क्या बोला, अगर आपकी आंख अच्छी है तो आपको दुनिया अच्छी लगेगी कि नहीं, बोलो। और अगर आपकी जबान अच्छी है तो आप दुनिया को अच्छे लगोगे। अगर आपकी आंख अच्छी है तो दुनिया आपको अच्छी लगेगी, और आपकी जबान अच्छी है तो आप दुनिया को अच्छे लगोगे। तो जबान अच्छी, वैष्णव हमेशा विनम्रता, मीठा बोलते हैं, पवित्र बोलते हैं, कल्याण का बोलते हैं, हित का बोलते हैं। ये जो अभी बोला जा रहा है ये आपके भले ही का बोला जा रहा है। कृष्ण का स्मरण, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। निस दिन नानक जो जपे सफल होवे सबका, दुर्मति हरण भय नाशनम दूर। आपका भय भी चला जाएगा, आपकी दुर्मत भी चली जाएगी। ये जो कली में हरि को नाम, हरि नाम हरि नाम हरि नाम कहने वाला सुखदेव, सुनने वाला महाराजा परीक्षित, कहा गया श्रीमद् भागवत में गंगा के किनारे सरस्वती के तट पर, यमुना के किनारे त्रिवेणी का अद्भुत संगम भागवत, जिसमें परम सत्य आपके कल्याण के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने साधन बताए, कितने साधन है, यशोगान 1, स्मरण 2, दर्शन 3, वंदन 4, श्रवण 5 और पूजा 6, मार दो छक्का। जीवन का अंतिम ओवर है, पता नहीं अगली बॉल पे आउट हो जाए, किसको क्या पता। तो ये 6 मतलब छक्का है, और आपको जीतने के लिए एक छक्के की जरूरत है। मार दो, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, और अगले पिछले कर्मों के जो भी बुरे फल है उससे तुरंत मुक्त हो जाओगे। नित्य भजो हरे कृष्ण 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 हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र विहारी लाल राय राय, जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम।